फर्स्ट एंड वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होंगे। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि हमारे सामने कोरोना कितनी बड़ी महामारी सामने आ रही है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बस अगर इससे हम बच सकते हैं तो बच्चों हमें कुछ एक हिदायतें बरतनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरोना से बचने के जो रूल रेगुलेशन है वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमें अपने हैंड्स को बार बार सैनिटाइजर से यूज करना है, यानी सैनिटाइजर यूज करना है, बार बार हैंड वॉश करने हैं, अपने फेस पे अपने हैंड्स को बार बार टच नहीं करना है, आईज को टच नहीं करना है, नोज को टच नहीं करना है, यानी हमें अपने हैंड्स के यानी जो फिंगर्स वगैरह हैं हमारे, हमें बिना हैंड वॉश किए हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को टच नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और जहां भी जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, पहली बात तो आपको घर से बाहर जाना ही है, और इन केस अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ जाए, इमरजेंसी हो, सबको हो सकती है, मैम को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मम्मी पापा को भी हो सकती है, आपको क्या करना है, आपको बच्चों मास्क यूज करना है। ओके अब चलते हैं हम हमारी और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा हमारा है पार्ट वन जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर को हम पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं, मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया था, आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ भी गया होगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था कि बेटा जो हमारा चैप्टर का नेम है, यानी चैप्टर का नाम क्या है, हमारा भाषा और व्याकरण, और जो चैप्टर का नाम होता है उसके जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, सबसे पहले तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। यानी अगर आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट लर्न है लेकिन आपको उन वर्ड का मतलब नहीं पता जो आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है, यानी जो आपका हेडर है, जो आपकी हेडिंग है, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। आज का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है यानी पार्ट एक है जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा यानी लैंग्वेज, भाषा क्या होता है बच्चों, यानी अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो अपने विचार यानी अपने मन के विचार, अपने भावों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है, ठीक है। और हम अपने मन के विचार यानी अपने भावों को कैसे प्रकट करेंगे, या तो बच्चों हम बोलकर बताएंगे या लिखकर बताएंगे। जो विचार हम बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, क्योंकि हम बात बोलकर बता रहे हैं। आप फोन पर बात करना यानी आप अपने फ्रेंड से अगर फोन पे बात कर रहे हो तो ये भाषा का कौन सा रूप है, आप उसे लिखकर तो समझा नहीं रहे, आप उससे फोन पे बात कर रहे हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप है बच्चों, मौखिक रूप। और इनकी अगर चलो ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि आपको अपने मन की बात रखनी है, यानी आपके मन में जो चल रहा है आपको मुझे बताना है, लेकिन आपको बोलने के लिए मना किया गया है। जैसे हम क्लासेस में कई बार मैं आपके साथ एक गेम भी खेलती हूँ कि बच्चों आप हमें साइलेंट रहना है और किसी को भी बोलना नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप मुझे क्या, आप क्या सोचते हो, मैम को पता नहीं चलता, आप अपनी नोटबुक में कुछ कुछ राइट करते हो और दूसरे बच्चों को पास करते हो, फिर वो स्माइल करते हैं, ऐसा ही होता है ना, हाँ, तो वो क्या है बच्चों, वो भाषा का लिखित रूप है, यानी आपके मन में जो चल रहा था आपने अपने फ्रेंड को बता दिया, ठीक है। और कैसे बताया, क्योंकि मैंने तो बोलने के लिए मना किया, आपने लिखकर उन्हें बताया, यानी जो विचार जो काम हम लिखकर करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है बेटा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे मैंने कहा लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताए थे और उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि व्याकरण कहाँ काम आता है, कहाँ यूज होता है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं जाता हूं बाजार। आप कहेंगे कि मैं, आपने ये क्या लिखा, मैं जाता हूं बाजार, जबकि आपको ये पता है कि मैम ने जो सेंटेंस लिखा है या मैम ने जो सेंटेंस बोला है वो गलत है। हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा, ये रॉन्ग है, राइट सेंटेंस होगा मैं बाजार जाता हूं। ओके स्टूडेंट, अब यानी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग था, ये सेंटेंस हमारा सही है। अब ये सेंटेंस हमारा यानी ये वाक्य हमारा सही है, और इसकी पहचान हमें कौन कराता है, हमें व्याकरण कराता है, ठीक है। आप देखिए बच्चों, चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर, यानी प्रश्न उत्तर की ओर, ठीक है। आज मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे बन जाता है,
भाषा किसे कहते हैं। ओके, क्या होगा बेटा? अपनी बात को बोलकर या लिखकर कहना भाषा कहलाता है। यानी जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर बताते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। और इसी में हमारा एक क्वेश्चन और इंक्लूड करते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, ठीक है। अब हम इसके रूप की बात कर लेते हैं। इसके दो रूप होते हैं, कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट होता है हमारा मौखिक भाषा, एंड सेकेंड है बच्चों हमारा लिखित भाषा। ओके, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? हमारे दो रूप होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है बच्चों? मौखिक भाषा, और सेकेंड होता है हमारा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम अपने विचार, हम अपने भाव बोलकर बताते हैं। और लिखित भाषा में क्या होता है? हम अपने विचार, हम अपने मन के भाव लिखकर दूसरों को समझाते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा व्याकरण किसे कहते हैं। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन हो गया व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण हमें व्याकरण वह शास्त्र है, जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। यानी बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है, क्या करता है व्याकरण, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, कौन सी बेटा हमारी राष्ट्रभाषा? हाँ जी, सभी को पता है, वेरी गुड। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके, एंड फोर्थ इज, देखिए बेटा एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है?
हैं। सभी बच्चों को पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। अब हम करते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हाँ जी, इसका आंसर देखते हैं। हिंदी दिवस सितंबर को मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार चलिए इन क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, अपनी बात को बोलकर या लिखकर कहना भाषा कहलाता है। ठीक है, अपने विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करने का साधन क्या है, भाषा है, होता है। इसके कितने रूप होते हैं, इसके दो रूप होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है बेटा, मौखिक भाषा, और सेकंड इज लिखित भाषा। यानी मौखिक भाषा में हम अपने विचार, हम अपने मन के भाव कैसे प्रकट करते हैं, हम बोलकर दूसरों को अपने मन की बात समझाते हैं। सेकंड है हमारा लिखित भाषा, और लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं। यानी जब हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्याकरण किसे कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। यानी जिस व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा शब्द सही है, गलत है। सही और गलत की पहचान हमें कौन कराता है बच्चों, व्याकरण कराता है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो रही है, तो आई थिंक सभी बच्चों को पता है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। वेरी गुड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को। आई होप सभी बच्चों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप बच्चों सुनिए, आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चन आंसर को फिर नोटबुक में लिखना है। और जिन बच्चों ने, क्योंकि हम ये चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं, वो बच्चे इन्हीं क्वेश्चन आंसर को अपनी रफ नोटबुक में राइट करेंगे। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इज दैट क्लियर। ओके, हाँ जी। और इसी के साथ साथ आपको इन क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करना है, और जब भी आप स्कूल आओगे तो आपकी नोटबुक चेक की जाएंगी, ठीक है। सभी का वर्क प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।